वेलकम टू रेड टेक चैनल, अ न्यू वे टू लर्न। आज हम एच जी पी जी आई सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो है एमआरआई के बेसिस पे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अदर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से भी, जैसे कि हमारे डीएसएसबी एग्जाम है। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो बिफोर वॉचिंग दिस, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर वन, विच इक्वेशन इज फंडामेंटल इन डिस्क्राइबिंग द प्रिसीशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन्स इन एन एमआरआई सिस्टम। तो कौन सी इक्वेशन जो है वो फंडामेंटल है, एक तरह से बेस इक्वेशन है जो प्रिसीशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन को डिस्क्राइब करती है, बताती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्लोच इक्वेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्क्रोंजियर इक्वेशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा लार्मर इक्वेशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मैक्सवेल इक्वेशन। तो जैसे कि आपको पता है जो प्रिसीशन है न्यूक्लियर स्पिन की वह हमें बताते हैं लार्मर इक्वेशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लार्मर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द टर्म फॉर द फिनोमेना वेयर अ स्पिनिंग प्रोटॉन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा जो फिनोमिना है वह हमें बताता है कि जो स्पिनिंग प्रोटॉन है, जो हमारा प्रोटॉन स्पिन कर रहा है, वह जनरेट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड को। तो वह कौन सा फिनोमिना हमें बताता है वो हमें बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म, या ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वांटम स्पिन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोटॉन इंडक्शन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म के द्वारा जो है हमें पता चलता है स्पिनिंग प्रोटॉन का, जो जनरेट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो किसके द्वारा जो है इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभाव में आती है, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर बी हमारा आरएफ पल्स ड्यूरेशन, या ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रोटॉन डेंसिटी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो जो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर फोर, विच क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन इज यूटिलाइज्ड इन एमआरआई। तो कौन से क्वांटम मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी है प्रोटॉन की वह यूटिलाइज होती है एमआरआई में, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑर्बिटल मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्पिन, ऑप्शन नंबर सी हमारा चार्ज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मास। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पिन। स्पिन की जो प्रॉपर्टी है वह यूटिलाइज की जाती है एमआरआई में, जैसे कि हमें पता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ इज़ दी लार्मर फ्रिक्वेंसी अफेक्टेड बाई एन इंक्रीज इन दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लार्मर फ्रिक्वेंसी है वो अफेक्ट होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से, तो वो हमें बताना है कैसे। ऑप्शन नंबर ए हमारा डिक्रीज लीनियरली, या ऑप्शन नंबर बी हमारा इट इंक्रीज लीनियरली, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इट रिमेन कॉन्स्टेंट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इट ऑसिलेट्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट इंक्रीज लीनियरली जो है ये बढ़ती है, तो इसके द्वारा जो है अफेक्ट होती है लार्मर फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल एमआरआई सिस्टम। तो कौन से तरह की जो है मैग्नेट एमआरआई सिस्टम में यूज़ की जाती है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा परमानेंट मैग्नेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रेजिस्टिव मैग्नेट। तो जैसा कि आपको पता है जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो है यूज़ की जाती है एमआरआई में। इसके बारे में जो है डिटेल्ड वीडियो आपको जो है एमआरआई की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं उसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट रोल डू ग्रेडियंट कोयल प्ले इन एमआरआई। तो ग्रेडियंट कोयल का क्या रोल होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्रांसमिटिंग आरएफ पल्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पेशल एनकोडिंग ऑफ द एमआर सिग्नल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा शील्डिंग द पेशेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ग्रेडियंट कोयल है उसका क्या काम होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, स्पेशल एनकोडिंग ऑफ द एमआरआई सिग्नल का जो है रोल प्ले होता है बेसिकली ग्रेडियंट कोयल का। इसके बारे में जो है डिटेल में अगर आपको जानना है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं एमआरआई में, उसमें आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, आरएफ शील्डिंग इन एमआरआई रूम्स इज प्राइमरली यूज टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम। तो जो आरएफ शील्डिंग की जाती है एमआरआई रूम में वह
किसको प्रिवेंट करने के लिए, किसको रोकने के लिए की जाती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रेडियंट कॉइल्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा एक्सटर्नल आरएफ सोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा पेशेंट मूवमेंट्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सटर्नल आरएफ सोर्स जो है उसको बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए जो है आरएफ शील्डिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, शिम कॉइल्स इन एन एमआरआई सिस्टम आर यूज्ड टू, तो शिम कॉइल का क्या क्या रे होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इनहांस इमेज रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट इन होमोजेनिटीज इन दी मैग्नेटिक फील्ड, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इंक्रीज दी स्ट्रेंथ ऑफ द मेन मैग्नेटिक फील्ड, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्रांसमिट आरएफ सिग्नल्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट इन होमोजेनिटीज इन दी मैग्नेटिक फील्ड। इन होमोजेनिटीज का क्या मतलब होता है कि जो शिम कोयल है वह मैग्नेटिक फील्ड ऑल द अराउंड जो है आपकी जो है समान रूप से है या नहीं, होमोजेनिटी मेंटेन है या नहीं, वह मेंटेन करने का काम जो है शिम कोयल का होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने जो है थ्योरी वीडियो नहीं देखी है तो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के मैंने इस आधार पर जो है पैटर्न वाइज किए हैं कि विदाउट थ्योरी भी जो है आपको लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्ज़ाम में आप जो है ये क्वेश्चन करके जाएंगे तो जो है आप इजीली आंसर कर सकते हैं एमआरआई से रिलेटेड क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपोनेंट ऑफ एन एमआरआई स्कैनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग दी एमआर सिग्नल्स, तो कौन सा जो कंपोनेंट है एमआरआई स्कैनर का वो एमआर सिग्नल को रिसीव करने के लिए यूज में आता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रेडियंट कॉइल्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा आरएफ ट्रांसमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा आरएफ रिसीवर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा शिम कॉइल्स। तो जो रिसीविंग है सिग्नल्स का वो हमारा होता है आरएफ रिसीवर के द्वारा, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर के द्वारा जो है सिग्नल्स को रिसीव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 2D फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इन एमआरआई, तो 2D फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का क्या पर्पस है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा टू ट्रांसमिट आरएफ पल्सेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा टू रिकंस्ट्रक्ट द इमेज फ्रॉम के स्पेस डाटा, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा टू एनहांस इमेज कंट्रास्ट, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा टू इम्प्रूव ग्रेडियंट कोयल परफॉर्मेंस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू रिकंस्ट्रक्ट द इमेज फ्रॉम के स्पेस डाटा, तो जो के स्पेस का डाटा है वह रिकंस्ट्रक्ट होता है 2D फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, इन एमआरआई के स्पेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो एमआरआई में के स्पेस आपको डिस्क्राइब करना है वो आप कैसे करोगे इस ऑप्शन में से जो है आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम परस्पेक्टिव से, काफ़ी जो एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा द स्पेशल डोमेन ऑफ द इमेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ द इमेज डाटा, या ऑप्शन नंबर सी हमारा द मैग्नेटिक फील्ड मैप, या ऑप्शन नंबर डी हमारा द लोकेशन ऑफ द पेशेंट इन द स्कैनर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ द इमेज डाटा जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है के स्पेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, विच इमेजिंग टेक्निक यूज्ड मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन, यानी कि मिप जो है वो किस में यूज़ की जाती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 2D फूरियर इमेजिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा 3D फूरियर इमेजिंग, या ऑप्शन नंबर सी हमारा डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, या ऑप्शन नंबर डी हमारा MR एंजियोग्राफी। तो मिप का इस्तेमाल होता है हमारा MR एंजियोग्राफी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सेम जो है आपका CT में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ 3D फूरियर इमेजिंग ओवर 2D फूरियर इमेजिंग, तो बेसिकली आपको बताना है एडवांटेज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फास्टर एक्विजिशन टाइम, ऑप्शन नंबर बी हमारा हायर स्पेशल रेजोल्यूशन, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इंप्रूव्ड कंट्रास्ट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रिड्यूस आरएफ एक्सपोजर्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हायर स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो मिलती है 3D में एज कम्पेयर टू 2D फूरियर इमेजिंग में। क्वेश्चन नंबर 15, के स्पेस डाटा इज प्राइमरली एक्वायर्ड यूजिंग, तो जो के स्पेस डाटा है वह प्राइमरली एक्वायर्ड किया जाता है किसके द्वारा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आरएफ पल्सेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्रेडियंट पल्सेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा शिम कॉइल्स। तो जो के स्पेस है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट के द्वारा जो है वो एक्वायर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट, तो इनमें से गिवन में से आपको बताना है कि कौन सा जो हमारा गिवन ऑप्शन में से एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बेरियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा आयोडिनेटेड कंट्रास्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टेक्नीशियम 99M।
तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट का यूज़ किया जाता है एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 17, द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट एनहांस एमआरआई इमेजेस इज। तो प्राइमरी जो मैकेनिज्म है गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट का, वो किस मैकेनिज्म पे बेस है जो एमआरआई की इमेज को एनहांस करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इंक्रीजिंग प्रोटॉन डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा शॉर्टनिंग T1 रिलैक्सेशन टाइम, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा लेंथनिंग T2 रिलैक्सेशन टाइम, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल्टरिंग दी लार्मर फ्रिक्वेंसी। तो जब गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट जो एजेंट दिया जाता है, यानी कि गैडोलिनियम इंजेक्ट किया जाता है एमआरआई में, तो जो सीक्वेंस में जो है आपको जो है एक ग्लो सा दिखेगा, या यू कैन से दैट जो इमेज है वो हाइपर इंटेंस दिखेगी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टनिंग T1 रिलैक्सेशन टाइम। तो जो T1 रिलैक्सेशन टाइम है उसको जो है और शॉर्ट कर देता है गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच पेशेंट पॉपुलेशन इज एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस यानी कि NSF व्हेन यूजिंग गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट। तो जब गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो किस पेशेंट में जो है रिस्क रहता है नेफ्रोजेनिक सिस्टमेटिक NSF का, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पेशेंट विद हार्ट डिजीज़, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेशेंट विद लीवर डिजीज़, या ऑप्शन नंबर सी हमारा पेशेंट विद रीनल इनसफिशेंसी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा पेशेंट विद डायबिटीज़। तो इसमें जो है गिवन जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है नेफ्रोजेनिक सिस्टमेटिक फाइब्रोसिस। नेफ्रो जो वर्ड यूज़ किया है ये हमारा रीनल से रिलेटेड है, यानी कि किडनी से रिलेटेड है। तो जो पेशेंट जो है रीनल इनसफिशेंसी होते हैं उसमें जो है खतरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि आपका जो है किडनी फंक्शन जो है अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप जो है गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट का यूज़ नहीं कर सकते, वह हाई रिस्क पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंट्रास्ट एनहांस्ड MRI टेक्निक। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है नॉन कंट्रास्ट एनहांस्ड MRI टेक्निक है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा MRA, ऑप्शन नंबर बी हमारा TOF यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑप्शन नंबर सी हमारा DWI यानी कि डिफ्यूजन वेटेड इमेज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा MRS यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिफ्यूजन वेटेड इमेज जो है वो नॉन कंट्रास्ट एनहांस्ड इमेज है, और ये बेसिकली स्ट्रोक के केस में यूज़ की जाती है बेसिकली प्राइमरी तौर पर। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज द यूज़ ऑफ MRI कंट्रास्ट मीडिया टिपिकली अफेक्ट द स्कैन टाइम। तो जो MRI कंट्रास्ट मीडिया है उसके यूज़ से स्कैन टाइम में क्या असर पड़ता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंक्रीज स्कैन टाइम, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंक्रीज डिक्रीज स्कैन टाइम, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्कैन टाइम, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ सीक्वेंस यूज्ड। तो कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करने से MRI जो स्कैन टाइम है उस पर क्या असर पड़ता है, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ सीक्वेंस यूज्ड, जो डिपेंड करता है कि कौन सा सीक्वेंस यूज़ किया है उसके ऊपर जो है स्कैन टाइम निर्भर करता है।